सोमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण इन राजाओं को जरासंध के बंदीगृह से मुक्त कराने के पश्चात अब बड़ी सुंदर उनको आध्यात्मिक शिक्षाएं भगवान प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हैं और वो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं, इसी प्रकार से भगवान जो हैं इन राजाओं को बड़ी ही सुंदर आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं। जैसे भगवान को परमात्मा कहा गया है, इन राजाओं ने भी भगवान को संबोधित करते हुए कहा था कि भगवान आप आदि पुरुष हैं, आप परमात्मा हैं, आप हरि हैं, आप गोविंदा हैं। तो वेदों में बताया गया है कि भगवान को ये अलग अलग नाम से क्यों बताया जाता है। जैसे भगवान को हरि क्यों कहा जाता है, इन राजाओं ने कहा था कि भगवान आप हरि हैं, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों की चिंताओं का हरण कर लेता है, भगवान अपने भक्तों के दुखों का हरण कर लेता है, इसलिए भगवान को हरि कहते हैं। अब भगवान यहां पर जो है परमात्मा के रूप में कहते हैं कि मैं तुम्हारे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। असल में देखा जाए तो भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, लेकिन इन राजाओं से भगवान कह रहे हैं कि अब क्योंकि तुमने अपना मुख मेरी तरफ मोड़ लिया है, अब मैं तुम्हें अच्छी शिक्षाएं प्रदान करूंगा तुम्हारे हृदय के अंदर से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना, भगवान सबके हृदय के अंदर में विराजमान है, लेकिन जब तक हम भगवान से अच्छी शिक्षाएं ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, जब तक हमने भगवान से अपना मुख मोड़ लिया है, माया की तरफ हम देख रहे हैं, तब तक भगवान क्या करेंगे। जिस प्रकार से अगर एक बेटा हमारा नालायक हो जाता है, घर छोड़ करके निकल जाता है, पिताजी क्या कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान तो सबके हृदय में है, सबके सुहृद हैं, भगवान सबसे अच्छे मित्र हैं, सबसे हमारे नज़दीक हैं, लेकिन अगर हमने मुख मोड़ लिया है भगवान से, हम केवल माया की तरफ देख रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे, हम भगवान की कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब जिस प्रकार से इन राजाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हम बड़े अहंकारी हो गए थे, अब हमारी समझ में आ गया भगवान अब हम आपकी तरफ मुख मोड़ रहे हैं, उस समय अब भगवान उनसे कह रहे हैं क्योंकि तुमने अब अपना मुख जो है मेरी तरफ मोड़ लिया है, अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे हृदय के अंदर से हमेशा बढ़िया प्रकार की सलाहें, बढ़िया प्रकार की दिशाएं मैं हमेशा तुम्हें दिखाता रहूँगा, इसलिए भगवान को परमात्मा कहते हैं। तो भगवान जो है इनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनकी ये साक्षात्कार हो गया है, उनको ये समझ में आ गया है कि भौतिक संसार में किस प्रकार से माया के भ्रम के अंदर में हमें अपना स्थान कभी भूलना नहीं चाहिए। गर्वित हो करके मनुष्य जीवन में हमें जो है गलत रास्ते पर इस प्रकार से भटक नहीं जाना चाहिए। आगे भगवान इन राजाओं को और बड़ी सुंदर शिक्षाएं देते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में तुम राजा के रूप में हो, तुम्हें हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। राजा का क्या कार्य रहता है, अपनी प्रजा की भलाई के बारे में। और प्रजा की भलाई क्या होती है, प्रजा की भलाई होती है
उनका व्यवसाय, उनका भौतिक कर्म वो करें और साथ साथ में आध्यात्मिकता में प्रगति करें। ये जो है राजा का कार्य होता है। तो राजा ऐसा नहीं है कि अपने महल के अंदर में बैठा है और अनेकों प्रकार के सुख ऐश्वर्य को भोग करने में लगा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में करने में लगा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम महल में बैठ करके केवल भोग करके बच्चे पैदा करो जानवरों की तरह, ये तुम्हारा कार्य नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा कार्य रहना चाहिए तुम्हारी जनता की भलाई, और अपने कार्य में रत रहने के पश्चात भी आध्यात्मिकता में तुम्हें प्रगति करनी चाहिए। ये भगवत गीता में भी भगवान इसी प्रकार के सुंदर संदेश देते हैं। भगवान ने अर्जुन को क्या संदेश दिया? भगवान ने कभी भी अर्जुन को नहीं कहा अर्जुन तुम अपने कार्य को छोड़ करके हिमालय में चले जाओ और भिक्षा मांगो। भगवान ने नहीं कहा अर्जुन को। भगवान हमेशा प्रैक्टिकल जो इस संसार के अंदर में हम कर सकते हैं, भगवान जानते हैं कि हम अनेकों प्रकार के कर्मों से आसक्त हैं, तो इसलिए भगवान कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कर्म करके, भगवान कहते हैं माम स्मरेण युद्ध च, अपनी कर्तव्य का पालन भी करो, अपने कर्म भी करो, लेकिन मुझे मत भूलो, और साथ साथ में कर्म जो करते हो वो भी मुझे अर्पण करते चलो। ये भगवान ने भगवद गीता के अंदर में भी शिक्षा प्रदान की है, और इसी प्रकार की शिक्षा जो है भगवान इन राजाओं को भी प्रदान कर रहे हैं। इन राजाओं को भी भगवान कह रहे हैं कि तुम राजा के रूप में अपने कर्तव्य करो और साथ साथ में कृष्णा भावनामृत में, भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिकता में भी प्रगति करते रहो। आगे भगवान, क्योंकि भगवान को आदि पुरुष भी कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं, तो भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से इस भौतिक संसार के अंदर में हम देखते हैं अनेकों प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं आएंगी। ये शरीर का मतलब ही ये है, जब हमने शरीर ग्रहण किया है मतलब दुख और सुख तो आएंगे। तो इसी प्रकार की शिक्षा भगवान भगवद गीता में भी देते हैं। भगवान कहते हैं मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुख दाह। ये शरीर जब हमने ग्रहण किया है तो शीत भी आएगा, उष्ण भी आएगा। शीत का मतलब होता है विंटर सीजन, मतलब सर्दियों का समय आएगा, तब हमें बड़ी ठंडी लगती है, और गर्मियों का सीजन भी आएगा, गर्मियों की ऋतु भी आएगी, तब हमें बड़ी गर्मी लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को सहन करना है। इसी प्रकार से सुख भी आएगा जीवन में, दुख भी आएगा। जब सुख आए, भौतिक सुख आए, तो हमें इतना खुश और गर्वित नहीं हो जाना चाहिए, और जब दुख आए उसे भी हमें जो है सहन करना है। दुख आए तो हमें जो है अपना जीवन छोड़ दिया कि सब कुछ हमारा जीवन में बेकार हो गया, हम जा करके कई बार क्या करते हैं, बड़ी इमारत के ऊपर जा करके, नहीं मेरा जीवन विफल हो गया, मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें पास नहीं हो पाया, मेरी नौकरी छूट गई, और इस प्रकार से हम लोग क्या है अपने जीवन के अंदर में दुखी हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं इन सुखों दुखों से, जिस प्रकार से भौतिक संसार में क्या होता है, कभी ग्रीष्म आती है, उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है, उसके बाद में विंटर सीजन आता है, शीत ऋतु आती है, इसी प्रकार से दुख सुख का चक्र तो चलता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें केवल उसको सहन करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। ये भी बड़ा सुंदर पाठ जो है भगवान इन राजाओं को देते हैं। और जैसे भगवान को आदि पुरुष कहते हैं, भगवान उनको कहा जाता है, तो भगवान बताते हैं हमें ध्यान कैसे लगाना चाहिए, खासकर कलयुग के अंदर में सबसे बढ़िया तरीका हमें क्या करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान इन राजाओं को भी ये बताते हैं तुम अपने कर्म करते हुए भी हमेशा मन के अंदर में मुझे रखो, मन मन भव मद भक्तो, और अपने कर्मों के द्वारा हमेशा मेरी भक्ति की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। तो मन में हम अनेकों प्रकार के विचार रखते हैं, मन तो खाली नहीं हो सकता है,
मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं आती हैं, उसकी जगह में हमें क्या करना है, मन को पवित्र करना है, भगवान को मन में रखना है। और भगवान को मन में रखेंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन जो है बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, उसको भक्ति कहते हैं, मद भक्ता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, भगवान की भक्ति केवल मन से नहीं करते हैं, मन से भी करते हैं, तन से भी करते हैं। ये नहीं कि मन भगवान के लिए और तन अपने परिवार के लिए, ऐसा नहीं। मन भी भगवान की सेवा में, सारी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगानी। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो जब आप प्रेम करते हैं तो केवल मन में थोड़ी प्रेम करते हैं, मन के अंदर भी प्रेम करते हैं, और हम अपनी क्रियाओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा हम उसका एक्सप्रेशन भी करते हैं। हमारे बेटे का जब कुछ, मान लीजिए उसका जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन पर हम अनेकों प्रकार की भेंट प्रदान करते हैं, प्रसन्नता के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्यों का जो है कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसके बर्थडे सेरेमनी हम लोग बनाते हैं। उसका क्या कारण है, हम उनसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान कहते हैं इंद्रियों का प्रयोग भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये जो ऋषिकेना, मतलब ये जो हमारी इंद्रियां हैं, वो ऋषिकेश की सेवा में लगानी चाहिए, उसे भक्ति कहा जाता है। तो भगवान ये बड़ा सुंदर जो है ये शिक्षाएं भी इन राजा को प्रदान करते हैं, और कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से भौतिक संसार में अपने कार्य भी करते रहोगे और अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओगे, तो तुम इस भौतिक भव बंधनों में कभी बंधोगे नहीं। अपने भौतिक संसार में कर्तव्य करते रहते हुए भी अगर तुम इस प्रकार से मेरी सेवा में लगे रहोगे, तुम भव बंधनों में कभी नहीं बंधोगे। और इस प्रकार से जो है भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। आगे भगवान जो है इनसे इस प्रकार से संतुष्ट होने के पश्चात, उनको इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करने के पश्चात, भगवान जो है इनके उसी समय जो है, क्योंकि हमने उसके बारे में भी चर्चा की थी, अनेकों साल तक इस प्रकार से बंदी रहने के कारण ये अनेकों प्रकार से जो है कमज़ोर हो चुके थे, इनका शरीर गंदा पड़ चुका था, पूरा का पूरा जो है मलिन हो चुके थे। तो भगवान ने अब इनके स्वास्थ्य के लिए, भगवान ने अब इनके अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए तुरंत जो है भगवान ने वहाँ पर जो उनके जो सेवक थे, भगवान ने अपने सेवकों से कहा कि अब तुम इनकी देखरेख करो। और भगवान जो है जरासंध को जीतने के पश्चात, उसका वध करने के पश्चात, भगवान ने मगध का राज्य जो है उसके ऊपर राज्य करना शुरू नहीं कर दिया। उसका जो बेटा था, जरासंध का जो बेटा था, उसके बेटे को अब जो है वहाँ पर राजा बनाया गया था। तो भगवान ने अब जरासंध के बेटे से कहा कि अब तुम्हारा ये कर्तव्य है ये देखना कि तुम्हारे पिताजी ने इनको बंदी बनाया था, अनेकों प्रकार के कष्ट दिए थे, अब तुम उन्हें जो है सुख और समृद्धि और शांति प्रदान करो। तब जो है जरासंध के बेटे ने क्या किया, तुरंत जो है अपने सारे सेवकों को बुलाया और इनको जो है बढ़िया स्नान कराया गया। स्नान करने के पश्चात में अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं उनको प्रदान की गई। सुख सुविधाओं के बाद में जो है सबसे पहले, क्योंकि भोजन के वो इतने भूखे थे, इतने हजारों सालक तक उनको सही प्रकार से भोजन की भी प्राप्ति नहीं होती थी, तो उसने जो है तुरंत वहाँ पर जो है बढ़िया सामग्री, बढ़िया भोजन का जो है वहाँ पर प्रबंध करवाया। तब इन राजाओं ने जो है बड़े ही सुख के साथ में भोजन ग्रहण किया और भगवान की स्तुति की, बड़े ही प्रसन्न हो गए कि भगवान ने जो है उनके ऊपर इतनी कृपा की, न केवल उनको छुटकारा दिलाया, भगवान ने उनकी सुख सुविधाओं के लिए सब कुछ वहाँ पर जो है उनके लिए वहाँ पर प्रबंध कराया। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो भगवान की शरण में गया है उसके पास में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती है, उसके दुख भी दूर होते हैं और अनेकों प्रकार की सुख समृद्धियाँ भी भगवान जो हैं अपने भक्तों के लिए वहाँ पर प्रदान करते हैं। भगवान भगवद्गीता में यही बताते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति
भगवान की सेवा में लगा है, भगवान स्वयं भगवान के भक्त को जो जरूरत होती है उन जरूरतों को भगवान स्वयं पूर्ण करते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने बाद में जो है इन राजाओं को अपने अपने रथ प्रदान किए और सारे राजा जो है अब सुख शांति के साथ में अपने अपने राज्यों को वापस लौट गए। वापस राज्यों को लौटने के बाद में सब ने जो है अपने राज्यों के अंदर में भगवान ने किस प्रकार से उनकी सुरक्षा की, उनको किस प्रकार से छुटकारा भगवान ने दिलाया, सबने जो है जाकर के अपने राज्यों में ये कथा बताई और सारे नागरिक बड़े प्रसन्न हुए भगवान की इन गाथाओं को सुनकर के। तब भगवान के आदेश के अनुसार इन राजाओं ने जो है अब अपना राज्य वहाँ पर प्रारंभ किया। और भागवत में कहा है क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार जैसे भगवान ने निर्देश दिए थे उस प्रकार से उन्होंने राज्य करना वहाँ पर प्रारंभ किया, सारे के सारे नागरिक जो है बड़े ही खुश हुए, बड़े ही संतुष्ट थे। अब इनके पहले हम लोग देख रहे थे कैसे जो है नागरिकों को उन्होंने रिस्क पर लगा दिया था कहीं पर जा कर के युद्ध करना, लेकिन अब नागरिक बड़े प्रसन्न हो गए थे क्योंकि भगवान के कहे अनुसार अब ये राज्य कर रहे थे, उनकी भलाई के लिए राज्य कर रहे थे। और इस प्रकार से सब कुछ करने के पश्चात जरासंध का वध हो गया, उसके बेटे को राजा बना दिया, इन सभी जो है जितने भी ये राजा थे इनको भी जो है भगवान ने मुक्ति दिला दी, अपने अपने राज्य को ये भी वापस लौट गए। अब भगवान जो है अर्जुन और भीम के साथ में वापस हस्तिनापुर लौट जाते हैं। और हस्तिनापुर वापस लौट जाने के बाद में युधिष्ठिर महाराज को जो है सारी गाथा बताई जाती है और अब सब बड़े खुश है कि जरासंध का वध हो गया है और अब वो जो है निश्चिंत होकर के राजसूय यज्ञ का आयोजन अब कर सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे की कथा कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।